अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। मैं आज आपके लिए एक लेक्चर रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और बातचीत नहीं हो पा रही है अपने पर्सन से, उनकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या आपको मिस कर रहे हैं या आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं। पहले हम उसमें देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर हम निकालेंगे कि वो इस कनेक्शन में आपके साथ क्या चाहते हैं। कीप इन माइंड, एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, वरना आपने इसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है? आपके पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा उनके लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा अभी गुस्से में आया हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इसके लोगों से। जहाँ भी काम कर रहा है वहाँ पे भी इसकी सही से नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहा है ये लोगों से, काफ़ी ज़्यादा इगोस्टिक इंसान हो सकता है। इसे ये चाहता है कि हर हाल में इस इंसान की जीत हो। ये अनडिसाइसिव है अपनी चीज़ों को लेके, अपने वर्क को लेके, अपने आसपास के लोगों को लेके। इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे। बहुत ज़्यादा इसमें कहूँगी एक तरह से चिड़चिड़ापन इस इंसान के दिमाग में भरा हुआ है इस वक्त। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा कर रहा है लोगों से जो इसके आसपास हैं। वर्क में भी इसकी सिचुएशन मुझे ऐसी ही नज़र आ रही है। फाइव ऑफ कप्स, देखे मैंने कहा था ना, आर्ग्यू हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स। इस इंसान का कहीं दिल नहीं लग रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपसेट है अपनी लाइफ को लेके। इसका जो अभी सारा फोकस है अपने वर्क पे है, लेकिन वर्क पे भी इसकी सिचुएशन ये है कि ये हर किसी से आर्ग्यू कर रहा है, हर किसी से इसकी लड़ाई हो रही है। इसे समझ नहीं आ रहा कि इसकी लाइफ कहाँ जा रही है, ये खुद अपनी लाइफ को समझ नहीं पा रहा। हाँ, इसको कुछ दुख है, कुछ गम है इसकी लाइफ में जो ये इंसान किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में अपसेट डाउन चल रहे हैं। लेकिन ये इंसान चाहता है कि इस सारी सिचुएशन को एक जगह रख के थोड़ा सा रिलैक्स लाइफ लाइफ में टेन ऑफ वॉन्स, इससे बिल्कुल भी ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ये ना चाह के भी ये इंसान ऐसा कर रहा है। इस इंसान को पता ही नहीं है कि इसकी लाइफ कहाँ जा रही है। बहुत ज़्यादा लोगों से आर्ग्यू कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े हैं। इसका काम में भी मैं कहूँगी सही से दिल नहीं लग रहा है। ये चाहता है ये सब बर्डन उतार के ये एक साइड रख दे और अपनी ज़िंदगी में एक थोड़ी देर के लिए सुकून और अच्छी लाइफ, अच्छा वक्त गुजारे। लेकिन मुझे यहाँ पे मुझे लगता है कोई तो कम है, कोई तो सौर है इसकी लाइफ में जो ये किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में ये वर्ग इंसान क्या चाहता है। आपके रिलेशनशिप में इस इंसान की क्या एनर्जी निकल के आती है, आपके साथ क्या चाहता है ये इंसान? ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस देखता है। ये देखता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सा जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, यानी कि अगर आप जॉब करती या करते हैं तो बहुत अच्छा आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस हो सकता है, आप अपना सिंगलहुड इंजॉय कर रहे हैं। ये इंसान देख के बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में चला जाता है। मैं कहूँगी इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसकी लाइफ में मैसअप, इसने अपनी लाइफ को मैसअप करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी के साथ सही से बात नहीं करना। अगर वर्क में है तो वहाँ पे भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और अगर घर पे भी है तो वहाँ पे भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और ये इंसान ये देखता है कि आपके पास प्रॉस्पैरिटी है, आपके पास अबंडेंस लाइफ है, आपका लुक्स अच्छा है, आपको कोई भी पसंद करता है, लेकिन आप अपना सिंगल लुक इसे इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। थ्री ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वॉन्स, हो सकता है ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ। ये इंसान जो है आप पे, आपको इसने वेटिंग पे रखा हुआ है, आप इसका यहाँ पे वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। भले आप अपना सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं, भले आप अपने
कैरियर में अच्छे हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप वर्क में अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे आप मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप इसका अपने जो है इसका वेट कर रहे हैं। काम में भी अच्छे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको अप्रोच करे, और करे तो सीरियस कमिटमेंट के साथ अप्रोच करें, क्योंकि आप इस इंसान के लिए एक स्ट्रांग फीलिंग्स रखते हैं, तभी आप ये रेटिंग देख रहे हैं। इस इंसान ने आपको वेटिंग पर रखा हुआ है 3/1 से। आपका और इसका काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पर्सन जो है आपके साथ इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ शादी करके सेटल डाउन होना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि आपके पास जो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लाइफ आपके पास है, जो आपके पास पैसा है, ये इंसान चाहता है कि आप वो इसके साथ शेयर करें। अब मैं रॉन्ग मकसद, आप इसको रॉन्ग वे में मत ले जाइएगा। ये इंसान चाहता है कि यानी कि जो इसके पास है ये आपसे शेयर करें, जो आपके पास है ये इंसान चाहता है कि आप इससे शेयर करें। लेकिन ये इंसान स्टिल आपको लेके गार्डेड इसलिए क्योंकि ये इसकी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इसकी लाइफ में। तो ये इंसान ये नहीं चाहता कि आपको भी लाके अपनी लाइफ में वही सब कुछ आपके साथ भी ये सब होने लगे जो ये इंसान बर्दाश्त कर रहा है। ये इंसान चाहता है कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। ये इंसान फिलहाल आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहता है, आपके साथ चाहता है कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदलें, कम्युनिकेशन करना चाहता है, मिलना चाहता है आपसे। आपसे ट्रैवल करके अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे है तो चाहता है कि ये सब चीज़ें ठीक करें, क्योंकि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हैं। ये इंसान आपके साथ इस टाइम में वर्क करना चाहता है। आपके बारे में ये सोचता है कि अगर आप इसकी लाइफ में आ जाएंगे तो इसकी लाइफ में जो ये चीज़ मिसिंग है, जिसके लिए ये बर्डन फील करता है, इसको ये सब मिल जाएगा। क्योंकि आपके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशन फील करता है। ये इंसान किसी भी कीमत पे आप पे गिव अप नहीं करना चाहता। 9/1 और 4/Pentacles है। हो सकता है इसको पैसों की भी दिक्कत हो, और पास पे आपने बहुत ज़्यादा इसको पैसों से भी जो है पैसे वगैरह से भी इसकी आपने हेल्प की हो, तो ये इंसान किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं चाहता है। इस इंसान ये इंसान कहीं गया ही नहीं है आपको छोड़ के। इसकी जो है टोटल जो इसकी नज़रें हैं वो आपके ऊपर, या आपका सोशल मीडिया चेक करता रहता है। ये इंसान आप में स्टक है, और कोई और सिचुएशन ऐसी है इसकी लाइफ में जो जहाँ से ये इंसान निकलना चाहता है, आपको प्यार का कप जो है वो ऑफ़र देना चाहता है, लेकिन इससे ये हो नहीं पा रहा है। इसकी जो है नीयत यही है कि ये इंसान आपके साथ आए और शादी करे, आपके साथ अपना घर बसाए। आप इस इंसान की डिज़ायर हैं, विश फुलफिलमेंट है, लेकिन कुछ तो ऐसा मसला इस लाइफ में है जो ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रख नहीं पा रहा है। और यहाँ पे ये कार्ड निकल के भी आया है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल का। तो ये इंसान चाहता है कि ये आपका किंग बन के आपको अप्रोच करे। आप 9/Pentacles की एनर्जी में, ये इंसान चाहता है कि आपको अपना किंग बन के आपको अप्रोच करे, आपको वो सारी लाइफ दे जो एक हैप्पी मैरिज लाइफ होती है, जहाँ पे हर चीज़ होती है इंसान के पास। ये इंसान चाहता है कि आपका किंग बन के आपको अप्रोच करे। इस तरह ये दुखी वे में आपको अगर अप्रोच करेगा तो ये इंसान आपको क्या देख पाएगा सिवाय दुख और तकलीफ के। तो इसलिए इंसान अभी स्टिल गार्डेड है आपको लेके। देख लेते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये कम्युनिकेट करना चाहता है आपके साथ, बात करना चाहता है आपके साथ, अपनी परेशानी आपको बताना चाहता है। ये बताना चाहता है कि आपसे ये क्यों दूर गया था, और आप इसे ये नज़र आ रहे हैं कि आप यहाँ पे जो है क्लैरिटी मांग रही हैं उसे। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रही हो वो ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो किसी के लिए, या फिर वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पे क्लैरिटी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको क्लैरिटी दे तो आपकी लाइफ में आए। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के रूप में भी इसको नज़र आते हैं, तभी इंसान आपके पास आने से डरता है। इसे लगता है कि ये आपके पास आएगा तो दोबारा से वही कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होंगे। तो और ये इंसान इस वक्त करना नहीं चाहता है आपके साथ। इस सिचुएशन में इसने हैंग करके रखी हुई है, आप इस सिचुएशन ही इसने हैंग करके रखी हुई है। इसकी अवेकनिंग हो रही है। देखें इसकी सर के जो पास है वो लाइट से यहाँ पर रोशन हो रही है। इसकी अवेकनिंग होगी तो ये इंसान आपके पास रश करता हुआ आएगा। ये इंसान पहले भी आपके लाइफ से इन और आउट रहा है, अब भी जब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा तो इम्यूचुअल एनर्जी से अप्रोच करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी और इसकी चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होती जाएंगी। ये टेम्परेंस करना चाहते हैं, ये हील होना चाहते हैं। कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको इसके बारे में पता नहीं है, ये इंसान चाहता है कि वो रिवील करे आपके ऊपर। और आपकी इंट्यूशन जो इस इंसान के बारे में कहती है, आप उसको भी सुनिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए इस इंसान के बारे में, ये क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन। ये इंसान इस रिश्ते में रीबर्थ करना चाहता है। ये चाहता है कि आप दोनों के बीच में दोबारा से वही सिचुएशन शुरू हो जाए जो पहले कभी हुआ करती थी। आप लोगों ने जो अच्छा वक्त गुजारे एक दूसरे के साथ, वही सिचुएशन वापस आ जाए। ये इंसान चाहता है कि इसको वेकअप कॉल दी जा रही है, लेकिन ये इंसान जो है अभी इस कंडीशन में नहीं है कि उस वेकअप कॉल को एक्सेप्ट करे।
लेकिन ये बहुत जल्द आपके साथ ये वेकअप कॉल एक्सेप्ट भी करेगा, आपके पास आएगा भी। इस इंसान की सिचुएशन रहती ऐसी होती होगी, आपको कॉल या टेक्स्ट मैसेज टाइप करता होगा फिर डिलीट कर देता होगा, क्योंकि ये इंसान अभी खुद सही कंडीशन में नहीं है, इसकी हालत जो है इतनी अच्छी नहीं है कि ये आपको इंसान 10 of cups दे सके। लेकिन इसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में। तो ये इंसान आपको साथ शादी करके घर बसाना चाहता है, लेकिन ये सारी सिचुएशन ख़त्म करके आपके पास आएगा, इसलिए इसने आपको भी हैंग करके रखा हुआ है, सिचुएशन को भी हैंग करना करके रखा हुआ है, लेकिन ये गिव अप करना नहीं चाहता है आपके ऊपर। पहले भी ये इंसान आपको छोड़ के गया था, लेकिन अब ये इंसान पुरानी बातों को याद कर रहा है, आपके पास आना चाहता है ये इंसान। तभी आपको 10 of cups दे पाएगा जब ये इंसान अपनी लाइफ में सही से सारे मसले सॉर्ट आउट नहीं कर लेगा, वरना ये इंसान आपको कुछ भी नहीं देने के लिए भी तैयार है। इसकी और देख लेते हैं कि फील क्या कर रहा है सब आपके बारे में। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानता है और आपसे भी कहा जा रहा है अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ में अप्रोच करना चाहते हैं तो आपको दुआ करनी पड़ेगी इस इंसान के लिए। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करता है, यही इंसान आपकी ज़िंदगी में न्यू लव लेके आएगा, नई तरह से आने वाला है। अपनी फीलिंग्स जो इसने कभी छुपाई नहीं थी आपसे, आपको ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखाई थी, ये इंसान न्यू लव लेके आएगा और तभी ये इंसान आपको आके 10 of cups देगा, क्योंकि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करता है, ये चाहता है कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो। ये इंसान ऑलरेडी जानता है कि आप इसके सोलमेट है, जैसे मैंने कहा ये इंसान का अभी सारा फोकस अपने फाइनेंसेस एंड कैरियर पे, ये उसे ठीक करने में लगा हुआ है। जब ये आएगा तो आपके लिए एक सॉलिड ऑफर लेके आएगा जो कि एंगेजमेंट और शादी हो सकती है, और अगर इंसान ऑलरेडी मैरिड है तो ये इंसान वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें वाइंड अप करके आपको अप्रोच करेगा ताकि दोबारा से वही पेन वही तकलीफ आपको ना देनी पड़े। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता है रीडिंग में, बाय।